अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं इस लतीफ। आइए आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जलूस में शिरकत के लिए आने वाले अजादारों पर फायरिंग और डंडों सोटों से हमला। मजीद अहवाल जानते हैं सियालकोट से चौधरी अदनान वाहिला की इस रिपोर्ट में। सियालकोट थाना हाजीपुरा के इलाके शहाबपुरा में चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आने वाले अजादारों पर फायरिंग करके और डंडे सोटे मारकर 13 अफराद को जख्मी कर दिया गया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें शामिल हैं। वाकया की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान, SP जियाउल्ला, DSP राना नदीम तारक समेत पुलिस की भारी नफरी और रेंजर के जवान मौका पर पहुंच गए और हालात पर बरवक्त काबू पा लिया गया और इंतजामिया ने बरवक्त हिकमत अमली इख्तियार करते हुए सैकड़ों मर्दों खवातीन को वहां से मरकजी जुलूस की तरफ रवाना किया और जख्मी होने वाले लोगों को सरदार बेगम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO थाना हाजीपुरा की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, आपको लम्हा बा लम्हा खबर रखने के लिए कोशिश है। मज़ीद खबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।